गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एट होम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अवर लास्ट चैप्टर, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। वी हैव डन विद टू चैप्टर्स, दैट इज़ क्रॉप मैनेजमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। होप करती हूँ कि आप दिन वो दोनों चैप्टर कर लिए होंगे। अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी हमें कैसे हम प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, या वो हमें कंजर्व करना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली बात क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमारा नेचर है। अगर नेचर में कोई भी एक जो हमारा पार्टिकल है यानी एक एलिमेंट है, अगर वो डिलीट हो जाएगा, मान लो अगर सारे के सारे प्लांट्स या सारे एनिमल्स हम ख़त्म कर देते हैं अपने नेचर में इसमें से, तो हमारा नेचर क्या कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। ओनली ह्यूमन बींग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें इन सबको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। तो कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि डे बाई डे हम क्या कर रहे हैं, डीफॉरेस्टेशन हो रहा है। डीफॉरेस्टेशन क्या मतलब क्या होता है कि एक लार्ज एरिया पर प्लांट्स का कट करना, यानी प्लांट्स को कट करना एक लार्ज एरिया पर, उसको क्या बोलते हैं, डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन की वजह से जो सर्वाइवल है इन ऑर्गेनिज्म का, वो क्या हो रहा है, थ्रेटन्ड हो रहा है, यानी खतरे में पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इनको कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं। तो डीफॉरेस्टेशन किस लिए कर सकते हैं, मेनली इसके थोड़े से रीज़न है, दैट इज़ हमें कल्टीवेशन के लिए एक लैंड चाहिए, यानी हमें खेती के लिए एक लैंड चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, उसको खाने के लिए तो खाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया उसको क्लियर करके हम कल्टीवेट करते हैं, यानी हम खेती के रूप में उसको यूज़ करते हैं, या फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर जो हम वुड यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, यानी चूल्हे में यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, डीफॉरेस्टेशन, दैट इज़ फॉरेस्ट को हम क्लीन करते हैं। बट इनके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी इसके बहुत ज़्यादा खतरा होता है हमारे क्या, इसको एनवायरनमेंट को। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, डीफॉरेस्टेशन इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये क्या करता है, क्यों होता है पोल्यूशन, क्योंकि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको एटमोसफेयर के अंदर इंक्रीज़ कर देता है। एटमोसफेयर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी हमारे एनवायरनमेंट, जैसे ड्राफ्ट्स हो सकते हैं, फ्लड्स हो सकते हैं। इसकी वजह से अगर हमारे ग्राउंड लेवल है वो भी क्या हो सकता है, बिल्कुल कम हो जाता है, पानी का जो लेवल है हमारे ग्राउंड के अंदर, हमारी जो रेनफॉल पैटर्न है, जो हमारा बारिश का पैटर्न है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जो हमारी सोयल है फर्टाइल थी, वो अनफर्टाइल होना शुरू हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मोनो ओवर हम ये कह सकते हैं, इट इंक्रीज़ द नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड एंड, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे फ्लड और ड्राफ्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम रिकॉल करें कि हमें प्लांट्स की ज़रूरत क्यों थी, प्लांट फोटोसिंथेसिस क्या करते थे, प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करते थे तो वो क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे। अगर हम इनको कट कर देंगे, यानी डीफॉरेस्ट हो क्या मतलब क्या था, प्लांट्स को कट करना, तो क्या होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, गर्मी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आप देखोगे अब तो चलो पॉल्यूशन कम हो गया है, बट पहले जो अभी दो या तीन महीने पहले क्या था, गर्मी क्या हो जाती थी, इंक्रीज़ हो जाती थी बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि क्या थी, जो पोल्यूशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाती थी। वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने की क्या के रीज़न, इंक्रीज़ होने से क्या होता था, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती थी हमारे ऊपर आती थी अर्थ के ऊपर, बट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने की वजह से जो टेम्परेचर है वो अर्थ का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर साइकिल है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से जो ड्राफ्ट्स यानी सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का मेजर कोज है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो फर्टिलिटी है हमारी ग्राउंड लेवल की, हमारी ग्राउंड की यानी हमारी अर्थ की, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है, और किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, डेजर्ट्स के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो हमारी उपजाऊ ज़मीन थी वो धीरे धीरे रेगिस्तान बनना शुरू हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। डीफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सोइल की, वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से पानी क्या है, जो बारिश का पानी आ रहा है वो बहता रहेगा सीधा, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अर्थ का। इसका मतलब क्या, जितना भी पानी होगा वो एकदम से अर्थ के ऊपर फ्लोट करेगा, तो क्या हो सकता है, ड्राफ्ट्स बन सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न किसका है, डीफॉरेस्टेशन का। हम इन सबको बचा कैसे सकते हैं, हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं हमने बनाए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम उसकी वजह, हम उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं,
इनको कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को। जैसे आपने बायोस्फीयर के बारे में सुना होगा, नेशनल पार्क्स के बारे में सुना होगा, ये सब क्या करते हैं, इन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कंजर्व करने का काम करते हैं। सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। यानी जहाँ पर ये फॉरेस्ट बने हुए हैं वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है या नेशनल पार्क्स बना रही है, ताकि वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल उनको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक बायोस्फीयर रिज़र्व के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, कंजर्व करने का काम करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, एक एक पर्टिकुलर एरिया में जब मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इनको कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिज़र्व बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगे। तो ये सब क्या करेंगे, बायो रिज़र्व के अंदर आते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको मिले यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोस्फीयर रिज़र्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, इसके अंदर एक नेशनल पार्क होता है, उसके अंदर नाम देखो आपको दिया हुआ है, जैसे एक सतपुरा है, एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज़ द भोरी एंड द पंचामरी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, स्टेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, और यहाँ पर उनको किल करना, उनको कैप्चर करना क्या होता है, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, यानी बिल्कुल ही सख्त बनाई होती है, किसके लिए, उनको शिकार करना या उनको कैप्चर करना, यानी उनकी पिक क्लिक करना, ये सब क्या होता है, फॉरबिडन होता है। कहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। हेयर द क्वेश्चन इज अराइज, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी हमें यह भी पता है कि जू के अंदर भी तो हम क्या करते हैं, जू के अंदर भी हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी बचा कर रखते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हम उनको बचा करें, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, उनके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जू के अंदर उनको केजेस में रहना पड़ता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो कहीं घूम नहीं सकते, उनको पर्टिकुलर एरिया में रहना पड़ता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।